राजधानी देहरादून में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान 5.0 के प्रथम चरण का शुभारंभ महात्मा गांधी शताब्दी चिकित्सालय देहरादून में किया गया है। अभियान के तहत जनपद में गर्भवती महिलाओं और जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को छूटे हुए टीके लगाए जा रहे हैं। जनपद में पहली बार टीकाकरण का ऑन द स्पॉट ऑनलाइन पंजीकरण यूबिन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। बता दें कि टीकाकरण के पश्चात डिजिटल टीकाकरण कार्ड तैयार किए जाएंगे जो कि पोर्टल में हमेशा अपलोड किया जा सकेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान के 3 चरणों में प्रथम चरण में 7 से 12 अगस्त, दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर और तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर जनपद देहरादून में संचालित किया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। सर, इंद्रधनुष की शुरुआत आज सरकार के द्वारा की गई है और एक केंद्र सरकार का कॉन्सेप्ट था, और जिस प्रकार से जो छूटे हुए बच्चे हैं इनका टीका नहीं लग पाया, गर्भवती महिलाओं को लगाने के लिए आज जिस प्रकार से 5 बीमारी का एक ही टीका बना दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है और एक ऐतिहासिक क्षण है हम सबके लिए, और इससे बहुत बड़ी राहत हमारे शिशुओं को, बच्चों को और मातृशक्ति को मिली। द्वारा पूरे देश में जो हमारे रूटीन टीकाकरण जो हम 7 बीमारियों के लिए बच्चों का करते हैं, तो उससे जो भी बच्चे छूट गए या जिनको कोई टीका किसी वजह से नहीं लग पाया है, तो इस विशेष अभियान के दौरान जो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने लगातार 6-6 दिन के लिए लगेगा, तो जैसे ये इस महीने अगस्त में ये 7 तारीख से 13 तारीख तक अभियान चल रहा है, तो इसमें जितने भी बच्चे छूटे हुए होंगे, मेन फोकस हमारा मीजिल्स और रूबेला का है, क्योंकि मिजिल्स और रूबेला को हमें इस साल एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हर बच्चे को जो भी 9 महीने का हो गया हम मिजिल्स और रूबेला से कवर करेंगे, और जो भी बच्चे और बीमारी से छूटे हुए होंगे उनको हम वैक्सीनेशन करेंगे।